गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा पब्लिक स्कूल मथुरापुर जौनपुर, क्लास 9, अध्याय 1, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में हम लोग देखते हैं। संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो होता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, इसको यहाँ से प्रदर्शित किया जाता है। फिर उसके आगे इसी में पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसको हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, इसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे इसको डब्ल्यू से प्रतीक इसका है, डब्ल्यू से प्रेजेंट किया जाता है। फिर इसी में पढ़ेंगे हम लोग इंटीजर यानी कि पूर्णांक, जिसको जेड से प्रदर्शित किया जाता है। जेड में इसमें क्या आता है, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है, जिसमें ऋणात्मक यानी कि निगेटिव संख्या भी होता है और पॉजिटिव संख्या भी होता है, यानी कि होल नंबर भी होता है इसमें, यानी कि -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 etc। फिर उसमें हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होता है जिसको रेशनल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहा जाता है। इसको पी बाई क्यू, जहाँ पर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पर पी और क्यू जो है क्या है, इंटीजर है। फिर उसके बाद इसी में हम लोग इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में कहा गया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, यस, ये 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। 0 को 0/1 यानी 0/2 मान 0/3 इसी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि नीचे वाला, यानी कि जिसको हम लोग परिमेय संख्या इस तरह समझिए कि जिसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 0/1 लिख सकता हूँ मैं, इसलिए ये 0 एक परिमेय संख्या होगा। फिर इसका आगे कहा गया कि क्या 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे दिया गया है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग एक फार्मूला होता है आर ओ एस, यानी कि जो इसको जो रहेगा 1 और 2 को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए, वो उसके बीच में परिमेय संख्या एक मालूम हो जाएगा। जैसे 1 और 2, यहाँ पर 1 को आर माना गया है, 2 को यस माना गया है, इसको ऐड करिए। ऐड करने के बाद उसका हाफ कर दीजिए, हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 3/2। तो इसके बीच में 1/2 के बीच में 1 और 2 के बीच में 3/2 आ गया, 3/2 आया। फिर जो 3/2 आया, उसके 1 और 3/2 के बीच में इसको ऐड करेंगे, फिर ऐड करने के बाद उसका आधा कर देंगे, उसके बीच में आ जाएगा। फिर जो आएगा, फिर उसके और उसके बीच में ऐड करके फिर आधा करेंगे। इस तरह से जो ऐड करते जाएंगे, जितना भी हम लोग को ज्ञात करना होगा वो मालूम हो जाएगा परिमेय संख्या। ये भी याद रखिएगा आप लोग कि 1-2 नंबर के बीच में इन्फाइनाइट आना यानी कि अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं। इसको ये फार्मूला याद रखिए, जो पहला और दूसरा को ऐड करके उसका हाफ कर दीजिए, उसके बीच में परिमेय संख्या एक मालूम हो जाएगा। जो आएगा फिर उसके उसके बीच में ऐड करके उसका हाफ कर दीजिए, दूसरा का परिमेय संख्या मालूम हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसको हाफ करके ये इतना परिमेय संख्या निकाला गया है। फिर उसके आगे एक्सरसाइज में हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज में पूछे सेम इसी तरह से ये सॉल्व करना है 3। फिर उसके आगे कहा गया 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये इस मेथड से भी निकल सकता है, जो अभी मैं बताया हूँ उस मेथड से भी निकल सकता है, या आप इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि जैसे इसको है, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करके हाफ करिए, वो भी होता है। फिर उसके बाद 3/4 है, इसमें अपने मन से कि कोई भी नंबर से ऊपर नीचे यानी कि 5 निकालना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 निकालना एक ज़्यादा, यानी कि 6 के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करिए, 6 से ऊपर और नीचे इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आएगा। फिर उसके बीच में काउंटिंग करिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 जितना आएगा वही इसके बीच में परिमेय संख्या होगा। इसे एग्जांपल में हम लोग यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या जैसे यहाँ पर परिमेय संख्या में हम लोग देखेंगे, परिमेय संख्या में दिया गया है कि यहाँ पर 1 और 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए अपने मन से यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया गया, जो 6/2 है, यहाँ पर 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पर किया गया 6/1 से, इसी तरह से आप भी वहाँ पर मल्टीप्लाई, जो ये फ्रैक्शन है इसमें से 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करिए, इसमें भी कर दीजिए जो आएगा, फिर उसके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर दीजिए। ये आपका क्लास पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 1.1 पर है परिमेय संख्या। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है, नीचे दिए गए कथन को सत्य या असत्य ये बताना है।
प्रत्येक क्या इसमें पहला के दिया गया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होता है, जो भी प्राकृतिक संख्या होता है क्या वो पूर्ण संख्या होता है। हम पूर्ण संख्या जानते हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4। हम प्राकृतिक संख्या वह संख्या होता है जिसको 1, 2, 3 यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं, यानी कि ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि पूर्ण संख्या में ही तो प्राकृतिक संख्या आता है। फिर सेकंड क्या है बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक, एक पूर्ण संख्या होता है जो प्रत्येक पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक क्या होता है जो माइनस इंटीजर, यानी पूर्णांक क्या होता है जो -1, -2, -3 या 0, 1, 2, 3 या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है, यानी पूर्णांक माइनस में भी होता है। ये सही है? नहीं, असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। फिर उसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, क्या यह भी सत्य है? जो प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम लोग क्या लिख सकता हूँ, परिमेय संख्या को हम लोग पी बाय क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, लेकिन पूर्णांक क्या एक पूर्णांक है क्या? कोई भी यानी कि 3/2 क्या एक पूर्णांक है? नहीं है, क्योंकि इस पूर्णांक जो होता है जीरो क्या होता है 0, 1, 2, 3 ये होता है, ये परिमेय संख्या जो पी बाय क्यू यानी कि 1/2 हाफ हो या किस भी हो इस तरह से लिखा जाता है। ये सही है? सही नहीं है, ये असत्य है। आप लोग ये एक्सरसाइज आप लोग प्रश्नों वाली जो है 1.1 आप लोग सॉल्व करिए। थैंक यू।